इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में संदिग्ध शव का खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सुलझा ली है। बता दें कि LNCT कॉलेज के निजी सुरक्षा गार्ड का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था, जिसके बाद LNCT कॉलेज के अन्य सुरक्षा गार्ड ने घटना की जानकारी थाना बाणगंगा में दी थी। बहरहाल सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि SP आशुतोष बागरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आरोपी से कड़ी पूछताछ में खुलासा भी हुआ है। आरोपी ने कहा कि बेटी की शादी और पिता की पैरवी के लिए उसने उधार पैसे लिए थे, उधारी चुकाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपी ने कहा कि मृतक के बैंक खाते में करीब 6 बार में 49,000 रुपये निकाले थे। ATM से पैसा निकालने का मैसेज नहीं आने पर मृतक के मोबाइल की सिम भी तोड़ दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी भागीरथ पटेल से 45,000 रुपये और मृतक का ATM जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। 11 तारीख को बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक LNCT कॉलेज है, LNCT कॉलेज के गार्ड तिलक सिंह हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी थी। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्योंकि कोई सुराग जो है समझ में नहीं आ रहा था कि किसने मारा और इसका मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे का। पुलिस ने इस पर बहुत ही तत्परता से काम किया और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल ले गए और जो प्रारंभिक तौर पे जो साक्ष्य मिले पुलिस को उनको पुलिस ने डेवलप किया और इसके बाद ये 48 घंटे के अंदर में पुलिस ने इसका पता लगाया है कि इसमें जो है भागीरथ पटेल है वो भी गार्ड है, इसके साथ में काम करता था, उसने इनकी हत्या की थी। और जो हत्या की मुख्य वजह जो समझ में आती है तो ये भागीरथ पटेल है, इसके ऊपर करीब 1.5 लाख का कर्ज था। ये मूलतः सागर का रहने वाला है, इसने बेटी की शादी करी थी और कोरोना काल में इसके पिताजी का देहांत भी हो गया था, तो उसमें जो अंतिम क्रियाकर्म है उसमें संस्कार है उसमें भी पैसा लगा था। तो इसने जो है अभी एक मोटरसाइकिल बेच करके कुछ कर्ज अपना चुकाया था, लेकिन इसका अभी बहुत सारा कर्ज इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। और ये जो मृतक हैं इसमें तिलक सिंह, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थी, तो इसको अपना ATM कार्ड दे देते थे कि पैसे निकालने के लिए, तो इसको जो है ये मालूम था कि इसके खाते में 67,000 रुपये हैं और इसको लेकर के इसने जो है प्लान बनाया और इसका जो है मर्डर कर दिया।